हेलो दोस्तों, दिस इज मी अमांश शर्मा बैक अगेन विद अ न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट निसान मैग्नाइट। आज मेरे साथ अर्पण भैया। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाली है। हमारे व्यूअर्स को आप बताइए क्या चीज आप लेकर आए हैं। आज हमारे पास निसान मैग्नाइट के हम आपको स्टीयरिंग कंट्रोल दिखाएंगे जी, और उसमें भी काफी सारी चॉइसेस हैं हमारे पास, तो आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। क्योंकि अगर आपको क्रूज कंट्रोल का मजा लेना है और आपके पास बेसिक गाड़ी है, तो कहीं ना कहीं आपको अपग्रेडेशन का पूरा जो है व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा। गाड़ी के अंदर में हम स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन आपको पूरा लगाकर सेटअप करके देंगे। इसके साथ में क्रूज कंट्रोल भी पूरा जो है फिटमेंट आती है, क्योंकि वो पूरा सेट आता है। इसके साथ में निसान मैग्नाइट में आपके पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है। अगर आप बेस वेरिएंट खरीद रहे हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छी चॉइस होती है। तो मैं आपको कैमरा के एंगल से दिखाता हूँ किस तरीके का पूरा जो है आपको सेटअप मिलता है, एंड स्टीयरिंग माउंटेड का यूनिट किस तरीके से ये लगता है। मतलब स्टीयरिंग व्हील पे ये पूरा कपलर से कपलर लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इजीली लग जाता है। सारे इसके अंदर स्विचेस वगैरह सब आपके वर्क करेंगे जी। आपका जो इसमें म्यूजिक सिस्टम लगेगा वो पूरा वर्क करेगा इसके साथ, मींस कपलर टू कपलर रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप अगर अपनी बेस गाड़ी में कुछ टॉप वाला फील चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। एंड पूरा कपलर टू कपलर है, तो आपका जो ओरिजिनल सेटअप आता है वो निकलेगा और नया सेटअप पूरा लग जाएगा। तो मैं आपको कैमरे के एंगल से दिखाता हूँ किस तरीके की पूरी परफेक्शन आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल में देखने को मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर स्पेशली निसान मैग्नाइट, क्वालिटी आप चेक करिए। स्टीयरिंग व्हील जो आपका पूरा होता है, उसके माउंटेड कंट्रोल बटन्स की जेन्युइन चीज़ें, और आपको पूरा जो है OEM फिटमेंट मिलती है। 2 कलर ऑप्शंस हैं, पियानो ब्लैक, सिल्वर फिनिश। तो क्वालिटी आपके सामने है, दोनों में आपको वही चीज़ देखने को मिलती है। तो मैं आपको वन पीस दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। काफ़ी अच्छी आपको इसमें ग्लॉस फिनिश देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखिए तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास बेस वेरिएंट है एंड आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन लगवाना है, तो ये आपको पूरा जो है OEM यूनिट मिलता है विथ पूरी लूम। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लूम आपको जो है पूरी ओरिजिनल मिलती है। यहाँ पर आप देखो ये आपको मोड्स वगैरह के लिए जो है पूरे बटन्स मिल जाते हैं, प्लस माइनस करने के लिए, कॉल एक्सेप्ट, कॉल रिजेक्ट, म्यूट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको MID कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये बैक के लिए MID कंट्रोल्स, ओके। तो काफ़ी बढ़िया जो है इसकी प्रीमियम क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। बैक साइड में मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको निसान की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। कोड वगैरह हमारा पूरा जो है सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया इसकी जो है पूरी फिटमेंट आती है। और इसके साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको पूरा जो है कपलर देखने को मिलता है। तो फिटमेंट काफ़ी बढ़िया होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में अगर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन के साथ में आपकी गाड़ी के अंदर में जो क्रूज़ कंट्रोल है उसका ऑप्शन चाहिए, तो वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ भी अवेलेबल है, सिल्वर फिनिश में काफ़ी बढ़िया लगती है एंड देखने में काफ़ी बढ़िया लुक आता है। ये अगर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में चाहिए तो उसमें भी हमारे पास अवेलेबल है, वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। सोर्स यहाँ पर आपको पूरा जो है देखने को मिल जाएगा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है क्रूज़ कंट्रोल का, जो कि आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, थोड़ा सा प्राइस वेरी करता है। तो ये हमारा जो है क्रूज़ कंट्रोल के साथ है। और ये आपको जो है पूरा MID कंट्रोल मिलता है। ये आप क्रूज़ कंट्रोल में अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहे हो, अगर आपको 61 पे करना है तो इसे आप प्लस 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 करते जाइए, और अगर आपको जो आपकी स्पीड है उसको कम करना है तो नॉर्मली आप इसे माइनस करते जाइए। तो पूरी जो है फिटमेंट काफ़ी बढ़िया रहती है। बैक साइड में आपको यहाँ पर निसान की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, सीरियल नंबर, कोड। और ये जो है पूरी कपलर वायरिंग आपको देखने को मिल जाती है लूम की। तो ये स्पेशली जो आपकी निसान मैग्नाइट है उसके लिए आपको ये पूरा स्टीयरिंग माउंटेड जो है पूरा सेटअप मिलता है। काफ़ी बढ़िया जेन्युइन है। निसान की आपको मैंने बैजिंग वगैरह दिखा दी। एंड आप अपनी गाड़ी में अगर चाहते हैं इस चीज़ को करवाना अपडेट, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास होता है। जो आप अपनी गाड़ी में बेस वेरिएंट अगर आप खरीदते हैं निसान मैग्नाइट, तो उसमें आप ये चीज़ अपडेट करवा सकते हैं गाड़ी के अंदर। इसी के साथ एट द एंड आते हैं। आपने फिनिशिंग देखी, किस तरीके का आपको प्रोडक्ट लगा, आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आपको कौन कौन सी गाड़ी के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन चाहिए, आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को बताइएगा। इसी के साथ वीडियो करिएगा, लाइक वीडियो करिएगा, शेयर कमेंट करिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। यूजर नेम आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा एंड लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भैया, आज की वीडियो में आप इसकी प्राइसिंग भी बताइए ऑन कैमरा, और इसके साथ में आप अपना नंबर भी बताइए और आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम। इसकी प्राइसिंग रहने वाली है पूरा आपका, ये हम गाड़ी में लगा के देंगे। 3500 रुपीज़ इसका कॉस्टिंग आएगा जी। और ये मेरा नंबर है, आप लिख लीजिए 7000002955 जी। और ये जो हमारी शॉप है सिचुएटेड है एमपी नगर जोन 2 में, भोपाल के अंदर सिचुएटेड है। तो आने के पहले एक बार आप कॉल ज़रूर कर लें और बिल्कुल आ सकते हैं आप अपनी मैग्नाइट के अंदर काम करवाने के लिए। जी, इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।